तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पार्क के स्टॉक के बारे में। स्पार्क के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर जिसके अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिली है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.43% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अब स्टॉक में तेज़ी आती है तो यहाँ से अब तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 216 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक में 235, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया दैन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 258 दैन यहाँ से हमको स्टॉक में 280, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक में 300 और 325 350 360 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 209 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक है 197 और 185 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।